उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उनमें अब ना तो यूपी पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का, जिसकी वानगी शुक्रवार को देखने को मिली। दरअसल नमन सत्य न्यूज द्वारा नोएडा के सेक्टर 63 से वायरल हो रही खबर को चलाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक युवक ने दनादन एक के बाद एक कई ट्वीट कर धमकी देना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उस ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यालय नोएडा पुलिस और सीपी नोएडा को भी टैग कर खुलेआम फर्जी मुकदमे में फंसाने और परिवार को घर से उठा लेने की धमकी दी गई। बावजूद इसके मामले में ना तो नोएडा पुलिस ने धमकी देने वाले युवक के खिलाफ कोई जवाब दिया और ना ही कोई कार्रवाई की। बहरहाल नमन सत्य न्यूज की तरफ से धमकी देने वाले युवक गौरव ठाकुर का स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नोएडा के पुलिस कमिश्नर, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत कई लोगों को ट्वीट किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या खुलेआम यूं ही लोग सोशल मीडिया पर धमकी देते रहेंगे या इन लोगों पर योगी सरकार और यूपी पुलिस कोई कार्रवाई करेगी।